गला नंगा करना खुद करते हैं हमें कोई मजबूर नहीं करता पेट नंगा करना खुद करते हैं हमें कोई मजबूर नहीं करता लाइक like, कमीज ऊपर नीचे ये वो बुलावला और क्या सिलोन में लड़के नजर आए आपको तो so उन्होंने मुझे प्रॉपर किया कल कोई मुझे और अगर कभी कोई कम्प्लेन हुई है तो अगर मैंने काशिफ को कभी भी बोला है या उनके स्टाफ को बोला तो उस उन्होंने फॉरन एक्शन लिया है और मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो इसलिए मुझे कभी उनसे कोई कंप्लेन हुई ही नहीं हेलो गज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काशी सलोन वाले मामले पर आखिरकार अली भट्ट ने अपनी खामोशी तोड़ दी है क्या कहा है अली भट्ट ने बताएंगे आपको इस वीडियो में सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को प्रेस कर दें तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि काशिय सलोन वाला मामला आए दिन शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है सोशल मीडिया यूजर्स ने दो ग्रुप्स बना लिए हैं एक शहर हयात की तरफ है तो दूसरा काशिय सलोन की तरफ है काशिय सलोन वालों का कहना है कि काशिश बहुत ही अच्छा पॉलर है वहाँ पे ऐसी हरकत नहीं हो सकती है और जबकि शहर हयात वाला ग्रुप ये कह रहा है की शहर हयात के साथ वाकई ही ज्याती हुई है कोई भी काशी सलोन पर ना जाए कुछ लोगों का कहना है कि काशी सलोन बुरा है और कुछ लोगों का कहना है कि शहर हयात को इस तरह की वीडियो अपलोड करते हुए शर्म आनी चाहिए थी अब इन सब मामले पे लोग चाहते थे कि शहर हयात की एक्स बॉयफ्रेंड अली भट्ट की क्या राय है तो इस मामले पे इन्होंने क्या कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो में जैसे कि शहर हयात ने ये वीडियो अपलोड की तो कुछ लोगों ने शहर हयात को डिफेंड किया और कुछ लोगों ने काशी सलोन को क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि काशी सलोन बहुत ही अच्छा है हम जब भी जाते हैं हमें तो बहुत ही इज्जत दी जाती है आप टिकटॉकर हैं आपकी कोई इज्जत नहीं है इस वजह से आपके साथ ऐसा किया गया है शहर हयात के जवाब में काशी सलोन की बहन अनम असलम भी मंजर आम पर आ गई और हयात की हकीकत सबके सामने खोल कर रख दी अनम असलम ने अपने तमाम तर फैंस के सामने सी सी टी वी वीडियो खोल कर रख दी और दिखाया कि की हयात के साथ किस तरह से इज्जत से पेश आया जा रहा है और इनकी टीम इनके साथ कितने अच्छे से कोपरेट कर रही है अनम असलम का कहना था कि शहर याद सिर्फ ये चीफ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही हैं वो यहाँ से सबसे बहुत ही अच्छे से मिलके गई हैं अगर वो हिरासत हुई होती तो वो इतने अच्छे से अपनी गाड़ी तक ना जाती और ना ही वो सबसे प्यार से भी मिलती अली अलीबर्ड ने जैसे ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी पिक्चर अपलोड की तो एक फैन ने इनसे पूछा कि शहर यात्र वाले मामले पे आपकी क्या राय है जिस पर अली भट्ट का कहना था कि शायद ये सच हो तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि सहरियात और अली बट ने अपने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और दोनों ने सोशल मीडिया को यूज करते हुए ब्रेकअप का मुद्दा एक दूसरे पर डालने की पूरी कोशिश की लेकिन दोस्तों इस वक्त सहरियात पर काफी मुश्किल वक्त आ चुका है क्योंकि काफी आवाम इनके खिलाफ खड़ी है तो ऐसे में दोस्तों अली बट यानी कि सहरियात के एक्स बॉयफ्रेंड ने सहरियात को वाजे वाजाज में सपोर्ट दी है तो दोस्तों इस सारे मामले पे आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना क्या रखिएगा बाय बाय